टीम ने पाकिस्तान को हराने की कर ली है तैयारी, लेकिन आईपीएल 2022 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने कर दी अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 24 अक्टूबर 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ T20 वर्ल्ड कप 2021 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले की शुरुआत से पहले तीन चार बड़े बड़े अपडेट्स आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शंस की लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स ऑफिशियली जारी हो चुकी है। इसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम आप सभी लोगों के लिए एक महा गिव अवे की अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एमपीएल के बारे में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया वाले मैच पर आप यहां पर 2 करोड़ रुपए तक जीत सकते हैं और भाई यहां पर केवल 35 रुपए डिपॉजिट करके आपको 1,000 रुपए तक का कैशबैक मिलने वाला है। आप यहां पर फ्री में खेलकर भी इन लोगों की तरह लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैंने भी यहां पर आईपीएल 2021 के दौरान हर मैच के लिए 20-25 टीम बनाई, लाखों रुपए यहां से जीते और T20 वर्ल्ड कप में भी मैं यहां पर सेम करने वाला हूं। आज के मैच के लिए भी मैंने 20 टीम बनाई है, मेरी 20वीं टीम आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं। तो इंतजार किस चीज का, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से एमपीएल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2021 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर। जी हां, भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होने वाले हैं। पूरा संसार इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक, ऐतिहासिक ये मैच होने वाला है, लेकिन इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले इस मैच के रिगार्डिंग काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उन सभी अपडेट्स की। तो पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है इस महामुकाबले की लाइव टेलीकास्टिंग को लेकर। जी वैसे तो स्टार स्पोर्ट्स भारत में T20 वर्ल्ड कप को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, लेकिन काफी सारे लोगों के कमेंट्स निकल कर आ रहे थे कि भाई हम भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को अपने टीवी पर फ्री में लाइव कैसे देख पाएंगे। तो आप सभी को बताना चाहूंगा बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया था कि भाई टीम इंडिया के जितने भी महामुकाबले होने वाले हैं वो सभी महामुकाबले हमें डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर फ्री डिश में लाइव देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री में उस महामुकाबले की लाइव टेलीकास्टिंग हमें डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा जियो टीवी पर भी हमें फ्री में लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलेगी। यदि आप जियो यूजर है तो भाई जियो टीवी पर इस महामुकाबले के लाइव प्रसारण का मजा उठा पाएंगे। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं जिसके चलते आज के इस महामुकाबले को हम फ्री में लाइव देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है इंडियन टीम में होने वाले बदलाव को लेकर। जी हां, भारतीय टीम को लेकर तीन चार बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। पहला अपडेट यहां पर वरुण चक्रवर्ती को लेकर है। वरुण चक्रवर्ती फिलहाल नी इंजरी का शिकार, जिसके चलते टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भाई इस महामुकाबले में प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए वरुण चक्रवर्ती अवेलेबल नहीं रहने वाले। भाई दूसरी तरफ टीम इंडिया के विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट पर भी लगातार सवाल बना कि भाई ऋषभ पंत या फिर ईशान किशन किसको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। प्रेफरेंस यहां पर फिलहाल ऋषभ पंत को मिली हुई है, लेकिन भाई आप सभी को पता है कि वार्म अप मैच में हमें ईशान किशन की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला था, जिसके चलते भाई मैनेजमेंट में एक बड़ी जद्दोजहद हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये एक और बड़ा अपडेट यहां पर टीम इंडिया की ऑलराउंडिंग डिपार्टमेंट में चेंज को लेकर है, जहां पर हार्दिक पांड्या वर्सेस शार्दुल ठाकुर चल रहा था। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करा रहे थे, जिसके चलते भाई जो दिग्गज थे वो यहां पर पूरी तरह से शार्दुल ठाकुर के फेवर में जा रहे थे, लेकिन भाई वाइस कैप्टन रोहित शर्मा ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया कि अपनी इंजरी से वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, जल्दी वो गेंदबाजी के लिए कमबैक कर लेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या का जो परफॉर्मेंस है वो भी शानदार रहता है, जिसके चलते टीम इंडिया यहां पर हार्दिक पांड्या के साथ जाना पसंद करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 को लेकर। जब फाइनली भारत के खिलाफ होने वाले महामुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 12 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया, जिनमें से भाई इनकी प्लेइंग 11 होने वाली जो उनकी टीम उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये प्लेइंग 11 है। भारत की प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट जैसी हो जाती है भाई तो अपने
टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2022 के टीम्स के ऑक्शंस को लेकर। जिया मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कल यानी 25 अक्टूबर को हमें आईपीएल 2022 की दो नई टीमों को लेकर मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाले हैं। लाइव टेलीकास्टिंग को लेकर बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। काफी सारे लोगों के सवाल है कि भाई कहां पर लाइव आएंगे, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई स्टार स्पोर्ट्स पर हमें लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलेगी। खुद स्टार स्पोर्ट्स ने यहां पर कंफर्म किया है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी हमें आईपीएल 2022 की टीम्स की ऑक्शंस की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। और भाई जैसे यहां पर फाइनल कंक्लूजन आता है, फाइनल अपडेट आता है, तो अपडेट आपको क्रिकेट इंडिया यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस के रिगार्डिंग है, जहां पर भाई बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि भाई कौन कौन सी फ्रेंचाइजी हमें यहां पर आईपीएल 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए बिड लगाती हुई नजर आने वाली है। 6 फ्रेंचाइजियों के नाम यहां पर निकल कर आए हैं, जहां पर भाई आपकी काफी सारी जो पॉपुलर है वो यहां पर मौजूद, आपकी इंदौर भी यहां पर है, आपकी लखनऊ, आपकी अहमदाबाद, आपकी कटक, आपकी यहां पर धर्मशाला भी है। और भाई कुल 23 इन्वेस्टर यहां पर रेडी है आईपीएल की टीमों पर बिड लगाने के लिए। खुद बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर इस चीज की कंफर्मेशन दी और भाई कल हमें फाइनली पता चल जाएगा कि कौन सी दो नई टीमें आईपीएल में आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है हार्दिक पांड्या को लेकर। जिया टीम ने कप्तान विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर दिया है। जी अपडेट कुछ ऐसा कि हार्दिक पांड्या जिस इंजरी का शिकार थे, उस इंजरी से अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और भाई अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में वो जल्द ही कम बैक कर लेंगे। विराट कोहली ने ऐसा भरोसा जताया कि भाई आने वाले मैचों में टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की जरूरत पड़ेगी और हार्दिक पांड्या बॉलिंग में कम बैक करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जिसके चलते भाई अब रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली भी पूरी तरह से हार्दिक पांड्या के फेवर में हमें नजर आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर। जी फाइनली क्रिकबज ने यहां पर उन 4 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है जिनको आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले कोहली की टोली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम रिटेन करने वाली है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है विराट कोहली, दूसरे नंबर पर है हर्षल पटेल, तीसरे नंबर पर है यहां पर युजवेंद्र चहल और चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को लेकर बड़ी साइड थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का पलड़ा यहां पर ज्यादा हैवी नजर आ रहा है। तो दोस्तों यह 24 अक्टूबर 2021 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबर के आपकी क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। अंत में हम बात करते हैं गिव अवे की, तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले के दौरान क्रिकेट इंडिया फैमिली का एक लकी सब्सक्राइबर जीतने वाला है आईफोन 13 प्रो मोबाइल और भाई 25 लकी सब्सक्राइबर्स यहां पर जीतेंगे विराट कोहली की साइंड मर्चेंडाइज। करना कुछ भी नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर टैप करके आपको बिल्कुल सिंपल से सवाल का जवाब देना है और आप बन सकते हैं इस महा गिव अवे के चैंपियन। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।